स्वागत है दोस्तों बेरोजगार के ब्लॉग में। हम हमारे खेत पर जा रहे हैं दवाई फेंकने, जिसमें इल्लियों की दवाई है, कचरे की दवाई भी है और इसमें सोयाबीन के लिए हाई पावर भी है। ओके जी, पानी भर रहे हैं टैंक में और उधर से बरोज जी पानी को नीचे लगाए हुए हैं, इससे पानी आ रहा है उसमें भरने के लिए टैंक में। और हम धीरे धीरे पानी भर के अभी खेत पर ले जाएंगे। खेत पर ले जाने के बाद दवाई को फेंकने का काम चालू होगा। देखिए दोस्तों, मोटर पंप चल रहा है और लोकेश जी जो छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं असल मंडी के, वो पाइप को शामिल हुए हैं। और बरोज जी ट्रैक्टर उच्चा ना हो जाए इसलिए आगे बैठे हैं, और लोकेश जी हमारे ड्राइवर साहब हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये बहुत ही देसी तरीका है, इसको इंडस्ट्री बाहर नहीं जाने दे। और हम अपने खेत पहुँच चुके हैं, सोयाबीन बहुत नुकसान हो रहा है ट्रैक्टर के पहियों से। और देखिए सरपंच साहब खेत पर पहुँच चुके हैं, अभी काम कराने आए हैं हमारे साथ। और ये हमारा खेत जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, अब लोकेश जी एक अपना स्टैंड बताएंगे, एक ही पहिया पे ट्रैक्टर को हम आगे बताएंगे। और हम लोकेश जी दवाई मिलाने का काम कर रहे हैं, दवाई मिलाने के बाद इसको फेंकेंगे। देखिए दोस्तों दवाई कैसे मिलाते हैं, बिल्कुल आराम से लोकेश जी दवाई को अच्छे से मिला रहे हैं। देखिए लोकेश जी दवाई को बड़े गोले है भाई, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे ब्रोज लोकेश जी की पूरी हेल्प कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कितनी दवाइयाँ हैं, पूरी कट्टे भर की दवाई लाए हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पकने वाली है। और बड़े घोलने के बाद अभी खेत में फेंकने का काम चालू होगा। लोकेश जी बड़े घोल रहे हैं दवाइयों को, एक बूंद ना रह जाए इसलिए वापस पानी में डुबो डुबो के निकाल रहे हैं और देसी जुगाड़ से वापस पटक रहे हैं इसमें। ये हमारी मशीन नहीं है, ये किसी और से मांग के लाए हैं हम, बहुत ही गरीब हैं, खाने के पैसे नहीं है हमारे पास, मजाक था। और लोकेश जी बड़े गोली है भाई, लोकेश जी बड़े गोली, आराम से जी हाँ आराम से गोली इसको। दोस्तों इस दवाई से इन्फेक्शन बताएं, अगर स्किन पे लग जाती है, स्किन जलने लग जाती है, पता नहीं जाने कितनी तरह की दवाई मिलानी पड़ती है इसमें, तब जाके सोयाबीन का कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कम से कम हमने 5 तरह की दवाई मिलाई थी इसमें, जिसमें कीटनाशक, हाई पावर, फलाना डिम करना जाने की कौन सी दवाई है जिसे हम जानते भी नहीं है। दुकान वाले ने हमें चेप दी और हमें डालनी पड़ रही है, ये प्रोसेस होता है साला खेती में। दवाइयों को अच्छे प्रकार से मिलाने के बाद अभी हम फेंकने का काम चालू करेंगे। लोग पिताजी मिलाने का काम कर रहे हैं उसमें। देखिए हम नज़दीक खींच रहे हैं आगे, साहब उसमें पूरी हेल्प कर रहे हैं और हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं वापस टैंक भरने के लिए। देखिए ये जुगाड़ इन से बाहर नहीं जाना चाहिए, हम कट्टे में पानी ला के टैंक में भर रहे हैं क्योंकि उसमें पानी ख़त्म हो गया है। और देखिए सभी कितना खुश हो रहे हैं टैंक में पानी भरने के लिए, बिल्कुल बेताब हो रहे हैं, कट्टे से कैसे पानी भरा जाए। देखिए मोटर चालू हो चुके हैं और टैंक में पानी आ रहा है कुएं में से। देखिए वापस दोबारा बीतने के बाद हम वापस टैंक में पानी भर रहे हैं कुएं में से, वापस दवाई फेंकेंगे। दोस्तों सारा दिन हमने ये काम किया आज, इसलिए और ब्लॉग नहीं आ पाएगा, सॉरी दोस्तों। हम इतना ही मिनी ब्लॉग बना सकते हैं, अभी बहुत टाइम नहीं मिलता सर हमें इतना भी। ठीक है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।